हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, होली है क्या? आप लोग होली के लिए तैयार हैं? अब आप लोग सोचेंगे होली में तैयार क्या होना, बट जी हाँ, हमें नहीं बट हमारे स्किन, बालों और नेल्स को तैयार होने की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि हम होली के केमिकल वाले रंगों से अपने स्किन को बचा सकें। तो आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, ये सारे इम्पोर्टेंट टिप्स जानने से पहले, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहें। तो आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट टिप्स। सबसे पहले आपको अपने फेस को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप अपने फेस पे आलमंड ऑयल लगा सकते हैं। इसको लगाने से आपके फेस और केमिकल वाले कलर्स के बीच में एक बैरियर बन सकता है। उसके बाद आप अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा प्रोटेक्शन का काम करता है। अपने होठों का भी ध्यान रखना आपका ही काम है। होठों पे आप वैसलीन का एक लेयर लगा सकते हैं, जिससे कि आपके होठों यानी कि लिप्स पे कोई भी कलर चिपकने के बजाय आसानी से निकल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आती है बालों की बारी। बालों को प्रोटेक्शन करना सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि होली के बाद हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए आप किसी भी तरीके का ऑयल ले लें जो आप रेगुलर यूज़ करती हैं। चाहे तो आप स्कैल्प में ना लगाना चाहें तो हल्का लगा सकते हैं या कम लगा सकते हैं, बाकी बच्चा वो ऑयल अपने बालों में यानी कि हेयर स्ट्रैंड्स में लगा दें, जिससे कि कलर चिपकेगा नहीं। और अगर आप होली के बाद, धमाकेदार होली के बाद अगर आप बाल वॉश करती है, तो आसानी से वो कलर एक ही वॉश में निकल जाएगा। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते रखते हम अपने नेल्स को भूल जाते हैं। नेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप पहली चीज़ है क्यूटिकल क्रीम लगा के जा सकते हैं, वो नहीं है तो आप वैसलीन का लेयर लगा सकती हैं। वो भी नहीं आप करना चाहें तो आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट या तो अपनी पसंद की नेल पेंट लगा सकते हैं। और हाँ, नेल्स के अंदर की तरफ भी हल्का सा मॉइस्चराइज़र या तो वैसलीन लगा दें, ताकि जब आप होली का कलर्स हाथों से उठाते हैं तो जब नेल्स में कलर अंदर रह जाता है, वो काफ़ी दिनों तक चिपका पड़ा रहता है और निकल में काफ़ी दिक्कत आती है, जो कि हमारे खाने में भी प्रॉब्लम करता है। दोस्तों, बाकी बॉडी को भी आप अपने मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन से लॉक कर सकते हैं। होली खेलने से पहले आप चाहें तो अपने मनपसंद का मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन लगा सकते हैं। और अगर आप ये सारी चीज़ें ना लगाना चाहें तो ट्राई करके फुल स्लीव्स और फुल पैंट्स पहन के भी होली खेल सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी होली कैसी रही? आपने क्या क्या किया? कौन से टिप्स आपके लिए हेल्पफुल थे? मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हैप्पी होली।